क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने। इसमें क्या दिया, आउट ऑफ टू नंबर, तो दो नंबर दिए मैंने मान लिया एक्स और वाई है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है कि ग्रेटर और स्मॉलर, अच्छा ग्रेटर और स्मॉलर, तो अपन ने मान लिया कि एक्स वाला क्या है बड़ा है, एक्स बड़ा है ये भी मान लिया अपन ने, ठीक है। अब उसके बाद अपन आगे की बात करते हैं, आगे क्या दिया है 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर, मतलब एक्स का 40%, ठीक है, इज इक्वल टू द 60% ऑफ स्मॉलर, मतलब बाय, ठीक है। एक चीज़ तो ये पता चल गई अपन को, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये जीरो से जीरो कट जाएगी, ये हंड्रेड से हंड्रेड कट जाएगा, और ये टू से टू, टू या फोर, टू थ्री या सिक्स, तो यहाँ से कितना जाएगा 2x बराबर 3y, ठीक है। एक चीज़ तो ये पता चल गई। दूसरी चीज़ आगे क्या दी, आगे दिया है इफ़ द सम ऑफ स्मॉलर, इफ़ द सम ऑफ नंबर, अच्छा दोनों सम का नंबर दिए, दोनों नंबर का सम दिया है कितना, x प्लस वाई बराबर 150, ये भी दिया है अपन को, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से एक किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी, एक्स की निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3y2y, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई 3y2y, तो उसमें रख देते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 3y2y प्लस y बराबर 150, ठीक है। और ये हो जाएगा, इधर एलसीएम लेंगे 3 और 2 5y, और अपॉन का 2, अपॉन का 2 को उस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 300, ठीक है। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 6 30, वाई की वैल्यू आ गई अपने पास 60, वाई की वैल्यू 60 आ गई। अपन से ग्रेटर नंबर पूछा है, तो इसकी निकालनी पड़ेगी कितनी आएगी, देखिए 2x इक्वल्स टू क्या है 3y, और y की जगह अपन ने रख दिया 60, ये 2 से कट गया, ये कितने टाइम 30, और 33 जगह कितना होता है 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई अपने पास 90, और अपन को 90 बताना था क्योंकि ग्रेटर नंबर क्या है 90, ठीक है।